મેઘરાજાએ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ધમાકેદાર મહેર કરી છે, જો કે હાલ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ થોડો શાંત પડ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યના છૂટાછવાયા જે વિસ્તારો છે એમાં હળવા વરસાદની શક્યતાઓ છે. ગુજરાત રિજિયન અને સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણના ગુજરાત વલસાડ નવસારી તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ગીર સોમનાથ જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. बारिश काफ़ी कम रहेगा, यानी स्कैटर्ड प्लेसेस में अगले 3-4 दिन में स्कैटर्ड प्लेसेस में बारिश हो सकता है, लाइट टू मॉडरेट. लेकिन डे वन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन होने का संभावना है. गुजरात रीजन में, इवन सौराष्ट्र कच्छ में भी होने का संभावना है. गुजरात रीजन में मोस्टली जो हेवी रेन होने का संभावना है वो साउथ गुजरात रीजन में, जैसे वलसाड, नवसारी, इवन सूरत, भरूच ना हो सकता है, सूरत, इवन बड़ोदरा, आगरा में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन हो सकता है. और सौराष्ट्र कच्छ के लिए देखा जाए तो गिर सोमनाथ, जूनागढ़, इवन पोरबंदर में हो सकता है, इवन अमरेली, भावनगर भी रूल्ड आउट नहीं है, वहाँ पे भी एक हाथ जगह में हेवी रेन हो सकता है. लेकिन डे फाइव यानी 18 तारीख के बाद रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का संभावना है. मोस्टली रेनफॉल एक्टिविटी जो बढ़ेगा साउथ गुजरात से शुरू होगा और के नॉर्थ गुजरात तक आएगा. अहमदाबाद में आज 24 आवर्स के लिए जो रहेगा क्लाउड डेवलपमेंट रहेगा, लेकिन जो बारिश हो सकता है लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, लेकिन कहीं एक आध जगह में होने का संभावना है, सारे जगहों में होने का संभावना नहीं है, इन सम एरियाज में हो सकता है. રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર થતા અનેક જળાશયોમાં નવા નીર આવતા પાણીના જથ્થાના